देश में सबसे ज्यादा सम्मान सेना के जवानों का होता है, लेकिन ये बात गलत साबित हो रही है। मथुरा के गांव पचावर में, जहां बिहार के कटिहार में हवलदार के पद पर तैनात बादाम सिंह की बीमारी के चलते ड्यूटी पर ही मौत हो गई। लेकिन जब जवान का पार्थिव शरीर उसके पैतृक गांव पचावर में पहुंचा, तो वहां कुछ अजीब नजारा देखने को मिला, जहां जवान के परिजनों के अंतिम संस्कार में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा, जहां तक कि बीजेपी विधायक पूरन प्रकाश ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई, जिसके बाद फौजी के परिजन और ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार करने से साफ मना कर दिया और परिजनों ने प्रशासन से फौजी को शहीद का दर्जा देने के साथ ही डीएम नवनीत चहल को मौके पर पहुंचने की मांग की। ये हमारे बहनोई हैं जी, ये खत्म हो गए जी, ये हवलदार थे और ये हवलदार थे और कोई भी शासन प्रशासन कोई भी अधिकारी या नेतागण सांसद विधायक कोई भी ब्लॉक प्रमुख कोई भी नहीं आया है जी। अभी यहाँ पे ऑन ड्यूटी खत्म हुए हैं? ऑन ड्यूटी खत्म हुए हैं। कहाँ पे? बिहार में जी, बादाम सिंह इनका नाम था जी, और कोई भी शासन प्रशासन नहीं आया। 7-8 घंटे हो गए जी, इतनी लापरवाही शहीदों के साथ है जी, तो इस पर क्या भरोसा किया जाए? सरकार पे, प्रशासन पे, शासन पे जी, क्या उम्मीद करें हम जी? क्योंकि देश हित में बोलते हैं ये सारे लोग, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? सभी गांव भूखा पड़ा है, सभी रिश्तेदार आए हुए हैं जी, और बॉडी जमीन पे पड़ी हुई है जी, और सेना आई हुई है जी, सभी इंतजार में हैं। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, इनके बारे में कोई उनके बारे में सोचा जाए आगे भविष्य के बारे में जी। ये सभी अधिकारी लोग आए जी, कोई मांग रखे हम जी, तो कोई भी नहीं है, और हम फोन भी कर चुके हैं जी, कोई भी नहीं आ रहा है। मतलब पूरी तबीयत खराब हुई, कोकराझार बेस हॉस्पिटल मतलब इनको एडमिट किया गया, बेस हॉस्पिटल में ब्रेन हैमर हुआ, उससे उनकी डेथ हो गई जी। उसके बाद में 3 दिन बाद हम लोग वहाँ से यहाँ तक पहुँच पाए। यहाँ जो मैं देख रहा हूँ कि जो एक फौजी को सम्मान दिया जाता है जी, वो यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है, जो यहाँ की जो नेता नगरी है, प्रशासनिक अधिकारी, जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। कितना समय हो गया है? समय करीब सर इसको 4-5 घंटे करीब हो गया यहाँ पे, कोई नहीं आया अभी तक। कोई मतलब नहीं है, ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके पास में एसडीएम डीएम, मतलब हमने खुद उनको कंफर्म किया कि भाई ऐसे ऐसे हमारे साथ में ये घटना हो गई है, फिर भी वो लोग मतलब यहाँ पे नहीं पहुँच रहे। यूनिट के मैसेज पास होने के, मैसेज यूनिट का भी पास हो गया, फिर भी वो मतलब लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास मैसेज कोई पास नहीं है। जब हम अपनी यूनिट में बात कर रहे हैं तो वो लोग हमसे बोल रहे हैं कि मैसेज मतलब पास कर दिया गया है। अभी शासन से आप क्या चाहते हैं? मैं शासन से ये चाहता हूँ कि मेरे भाई का मतलब अंतिम संस्कार जब होगा कि शासन के मतलब लोग यहाँ पर सब मौजूद हो। आप किसकी मांग करते हैं? मैं एसडीएम डीएम मतलब जितने भी मतलब अन्य अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद हों, इसके बाद मेरे भाई का अंतिम संस्कार होगा, नहीं उससे पहले नहीं होगा। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।